ये खबर सुनने के बाद आप में से कई लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली मोदी सरकार ने टर्की के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। यानी जो टर्की बिना वजह भारत के कश्मीर से लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC में घुस रहा था, उसका क्या नतीजा हो सकता है वो भारतीय सरकार ने आखिरकार टर्की को दिखाई दिया है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको जरूर पता होगा कि टर्की का पड़ोसी देश ग्रीस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके साथ पिछले कुछ सालों से उसके मतभेद बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालात तो कई बार आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच गए थे, और ग्रीस टर्की के सामने कमजोर ना पड़े उसकी मदद के लिए हमेशा सामने आता है फ्रांस, जिसने अपने राफेल फाइटर जेट्स और नेवल फ्रिगेट तक ग्रीस की रक्षा में मेडिटेरेनियन सी में तैनात कर दिए थे। फ्रांस तो चलो ग्रीस की तरफ है ही, लेकिन दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली स्ट्रेटजी पर काम करते हुए ग्रीस पिछले साल से ही भारत के साथ सैन्य संबंध सुधारने की गुजारिश कर रहा था और दोनों देशों के बीच सैन्य युद्धाभ्यास कराने का आग्रह कर रहा था। लेकिन भारतीय सरकार इसके लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि इससे टर्की पूरी तरह नाराज हो जाता। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में भारत और ग्रीस के बीच कई सारी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल चुकी हैं। भारत ने आखिरकार ग्रीस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, वो भी पॉजिटिव मैनर में। सबसे पहले भारत के मिलिट्री अटैशे इन प्राग कर्नल अनुपम आशीष मल्टी डे विजिट के लिए मई के महीने में ग्रीस गए थे। उसके बाद करीब एक हफ्ते पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी 3 दिन के ग्रीस के दौरे पर गए थे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी तक हम ग्रीस को इतना इग्नोर कर रहे थे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की ये विजिट किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पिछले 18 सालों में पहली विजिट थी। यानी पिछले 18 सालों से कोई भी भारतीय विदेश मंत्री ग्रीस नहीं गया था। फिर दोनों देशों के PM प्रेसिडेंट का मिलना तो दूर की बात है, लेकिन अब टर्की को एक स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए डिप्लोमेटिक ही नहीं सैन्य संबंधों में भी भारत ने ग्रीस की मदद के लिए हाथ बढ़ा लिया है। दरअसल ANI न्यूज, याहू न्यूज और कई ग्रीक न्यूज एजेंसी से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी के नेवल शिप INS तबार ने ग्रीक नेवी की फ्रिगेट्स HS थेमिस्टोक्लीस के साथ मेडिटेरेनियन सी में कई तरह की नेवल सी ड्रिल्स की, जिसकी पुष्टि इंडियन नेवी ने भी एक दिन पहले कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS तबार इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नेवल बेस में June 29 को पहुंचा था, जिसके बाद अगले दिन June 30 को ग्रीस नेवी के साथ ये ड्रिल्स हुई। INS तबार इजिप्ट नेवी के साथ भी ड्रिल्स में शामिल हुआ, लेकिन जो ग्रीस के साथ नेवल सी ड्रिल्स हुई वो अपने आप में बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की विजिट के कुछ ही दिनों बाद देखने को मिली। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये ग्रीस और भारत के बीच कोई बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास नहीं था, लेकिन हाँ अब भारत और ग्रीस के बीच सैन्य संबंधों की शुरुआत होते दिखाई दे रही है। यानी अब भारतीय सरकार ने ग्रीस के सबसे बड़े दुश्मन टर्की को अपसेट करने का मन बना लिया है, और आगे दोनों देशों के बीच में इसी तरह की और भी मिलिट्री कोऑपरेशन लगातार देखने को मिलती रहेगी, जो कि मोदी सरकार अभी तक नहीं कर रही थी। लेकिन टर्की ने भारतीय सरकार को मजबूर कर दिया था कि हम ग्रीस के साथ सैन्य संबंधों की शुरुआत कर लें, क्योंकि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में भारत के मसले में लगातार टांग अड़ा रहे थे, लगातार पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे थे। खैर, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय सरकार का टर्की के दुश्मन ग्रीस के साथ सैन्य संबंध शुरू करने का फैसला है वो बिल्कुल सही है, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।